ब्लीडिंग हो जाती है यूट्रस के अंदर उसका रिस्क होता है और आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मतलब बच्चे की ग्रोथ या बच्चा लोगों में एक अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग ज्यादा होती है फीटल मूवमेंट सही से हो रहा है कि नहीं ये चीजें ज्यादा होती हैं तो इससे इससे आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोस की क्या हमें उन बाकी एम्ब्रियोस की Hi, friends. My name is Dr. Shweta Goswami. I'm the medical director of Ziva Fertility. We are based out of Noida and Delhi NCR. And uh, welcome to Fertility Fridays. It's the place where we uh, hope to welcome uh, hope into your lives as soon as we can. Uh, so, today we'll talk about a topic again around recurrent miscarriage. सो so, uh, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि हम बड़ी मुश्किल से अब कंसीव कर रहे हैं वी अनफॉर्चुनेटली यू नो वेन थ्रू टू और थ्री मिसकेरेजेस अब जब हम कंसीव कर चुके हैं तो क्या uh, मुझे कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए तो अगेन ऑन दैट फ्रंट देर इज अ गुड साइंटिफिक पेपर दैट हैज गॉट पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन विच हेज एक्चुअली फॉलोड अपन विथ रेक मिसकैरेज उनको फॉलो अप करके उन्होंने ये देखा कि क्या उनको प्रेगनेंसी कॉम्प्लीकेशन के रिस्क पड़ते हैं और उस स्टडी का रीजन ये है कि कई बार लोगों को मिसकैरेज इसलिए होता है है कि यूट्रस में ऑक्सीजनेशन की कमी होती जिसको हम मेडिकली कहते हैं तो अगर उस कारण से बच्चा मिसकैरेज हो रहा होता है तो वही जो प्लासेंटा के डिस्फंक्शन है वो सेवंथ एथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी कुछ कुछ कॉम्प्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एक रीजन थोड़ा इंटरमिंगल्ड या यू uh, नो you know, एक दूसरे से रिलेटेड है ये स्टडी ने भी एक्चुअली यही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जिन लोगों को जिन महिलाओं को अनफॉर्चुनेटली पहले दो तीन मिसकैरेज के बाद अब एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई है उनके बाकी विमेन जिन्होंने नॉर्मली कंसीव किया है या जिनके कोई हिस्ट्री प्रायर हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज नहीं है उनसे इनको ज़्यादा वन प्री का रिस्क मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क टू स्टिल बर्थ का रिस्क अनफॉर्चुनेटली बच्चा एथ नाइन्थ मंथ में आगे नहीं बढ़ रहा है या हार्ट बीट ऑफ हो जाए उसका रिस्क होता है तीसरा प्री टर्म बर्थ का रिस्क होता है चौथा एक प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है ब्लीडिंग हो जाती है यूट्रस के अंदर उसका रिस्क होता है और आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मतलब बच्चे की ग्रोथ या बच्चे को ब्लड फ्लो कम हो जाता है ये इस पेपर में एक साइंटिफिक पूरे ट्रायल से ये कंफर्म किया है कि ऐसी लेडीज में ये चीजों का रिस्क बढ़ जाता है अब ये हमारे लिए जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज देन द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी इज कि इन लेडीज uh, को डेफिनेटली इंक्रीज एंटीनेटल सर्वेलेंस की जरूरत है विच मीन्स हम इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह कंसिडर करके इन लोगों में एक अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग ज्यादा होती है फीटल मूवमेंट सही से हो रहा है कि नहीं ये चीजें ज्यादा होती हैं तो इससे देयरफॉर वुमेन शुड नाउ बी कंसिडर्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड स्पेश आफ्टर द फिफ्थ सिक्स मंथ उनकी मॉनिटरिंग उनके विजिट्स टू द डॉक्टर एंड दे नीड मोर फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड टू मेक श्योर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली रही है और आप कंसीव कर रहे हैं या ऑन द पाथ टू प्रेगनेंसी है तो अपने डॉक्टर से प्लीज जरूर ये कन्फर्म करें एंड ओवरऑल अपने माइंड में प्लीज इसको थोड़ा हाई रिस्क मान के थोड़ा सिक्स मंथ से स्पेशली प्रेग्नेंसी की मॉनिटरिंग को बढ़ाएं बिकॉज यू मे बी एट अ हायर रिस्क देन अदर्स इन टर्म्स ऑफ दीज कॉम्प्लीकेशन Uh, so, I hope uh, you find this uh, scientific study uh, useful and uh, please do use it, uh, you know, or tell your friends about it who may have undergone miscarriage earlier because they definitely need increased pregnancy monitoring. Thank you. सो आई एल नाउ टेक सम क्वेश्चन फर्टिलिटी फ्राइडे यूजर्स सो रेनू कह रही है मेरे दो बार आई बी एफ फेल हो गया पहली बार एक एम्ब्रियो बना ग्रेड फोर ए ए था वो मेरे साथ था एक यूट्रेस ही नहीं चिपका और दूसरी बार मैंने डोनर रेग लिया उसमें ग्रेड थ्री ए ए और दूसरा थ्री ए बी वो भी यूट्रस से नहीं चिपका डॉक्टर कह रही है कि यूट्रस भी अच्छा है यूट्रस की रनिंग भी सही है अब वो मेरा लिट टेस्ट करने को कह रहे हैं यूट्रस किसी भारी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट का एग्जाम्पल दिया प्लीज सजेस्ट करें इसमें कोई फायदा है तो रेनू देखिए एक तो एम्ब्रियो ग्रेडिंग जो है फोर ए ए थ्री ए ए मेरे हिसाब से अगर एक बार फेल हुआ है, तो लिट थेरेपी एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट है करने में कोई हार्म नहीं है इसको हम ऑटो इम्यून इम्प्लांटेशन फेलियर का रीजन कहते हैं बट आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज की क्या हमें उन बाकी एम्ब्रिय की पीजीटीए करना चाहिए ये सब कंसिडर करना चाहिए साथ के साथ हिस्ट्रोस्कोपी ईरा जैसे टेस्ट भी उनसे डिस्कस करें क्योंकि ये चीज एक पूरी इंडिविजुअल असेसमेंट चाहती है कि क्या रीजन हो सकता है अनफॉर्चुनेटली की एक बार भी बच्चा नहीं इम्प्लांट हो रहा है शिवम थापा कह रहे हैं नमस्ते हाइपर हाइपरपोलैक्टेनिमिया मुझे बता दिया उसके लिए कैबलोन यूज करना है क्या उसके करने से स्पर्म ले आ सकते हैं शिवम जी देखिए डिपेंड करता है प्रोलैक्टिन कितना हाई है क्योंकि हाइपर प्रोलेक्टिनिमा जब तक की बहुत हाई ना हो तो वो जीरो काउंट या एजू या लो काउंट कम करता है बट मेरे हिसाब से कोई हार्म नहीं है आप अपनी दवाइयां एंटी लें अगर ये प्रोलैक्टिन की वजह से होगा तो एक महीने में इजिली नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि कैबर से कैपगोलिन से एक महीने में प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाएगा बट ऐसा कोई बहुत क्लियर डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है कि एकदम स्पर्म काउंट उसकी वजह से जीरो हो जाए तो आप बाकी कॉजेस को भी एक्सप्लोर करें कृष्णा uh, कह रहे हैं मैम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एजोस्पर्मिया बट इन माई टेस्ट इज प्रोडक्शन बट मेच्योरिटी डज नॉट है सो वॉट ट्रीटमेंट कृष्णा जी दिस इज अ डिफिकल्टी स्पर्म मेच्यूरेशन अरेस्ट कुड बी वेरी डिफिकल्ट टू नो मेडिकली यू शुड गेट हॉर्मोनल चेस सीफ हार्मोनल थेरेपी कैन बी ट्राइड यू कुड इवन ट्राई अदर यू नो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज डायट एक्सरसाइज आयुर्वेदा एक्सेट्रा बिकॉज इसमें फाइनल सोल्यूशन टीसा या माइक्रो की तरफ जाता है अगर गॉड में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो फिर फाइनल ऑप्शन स्पर्म की तरफ जाता है तो ये आपको एक अच्छे स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू इफ यू लाइक आर वीडियोस देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गेट बैक यू कड ऑल्सो बिलो टू सी आर फोन लिंक्स थैंक यू